जय हिंद प्यारे दोस्तों। अगर दोस्तों आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं या ग्रेजुएटेड हैं और आप काम करना चाहते हैं कोर्ट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट के अंतर्गत काम करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए गोल्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि जो वैकेंसी आउट हुई है वो वेरियस पोस्ट आउट हुई है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, उसके बाद आप अप्लाई करने जाना अगर आप सुटेबल कैंडिडेट हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेजेज क्राइटेरिया, जितनी बातें एडवर्टाइज बताएंगे ये सारे अपनी वीडियो में कवर अप करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। बेसिकली दोस्तों कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हुआ है, वैकेंसी आउट हुई है कोर्ट मैनेजर की, एलडीसी की, स्टेनोग्राफर की, ड्राइवर की, बेलिफ की, प्रोसेस सर्वर की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, वॉचमैन की और बहुत सारी वैकेंसी है दोस्तों। तो आज की वीडियो में सारी बातें समझेंगे, वीडियो पूरा जरूर देखना, डायरेक्टली अप्लाई करने मत चले जाना, तो अच्छी तरीके से समझना फिर अप्लाई भी कर देना। तो सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं, एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में, जिसमें 12th पास मांगा गया है। बेसिकली दोस्तों मैं आपको बता दूं, सारी पोस्टों के लिए एज भी सेम रखी गई है और एक चीज कंपलसरी है वो भी जरूर होनी चाहिए, वो मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं इनकी पर्टिकुलर जो पोस्ट है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सैलरी के बारे में बता देता हूं आपको। तो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले इसमें 12th पास मांगा गया। 12th पास के साथ साथ आपकी मिनिमम टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड से ज्यादा जितनी भी है चलेगी, लेकिन उससे कम है तो नहीं चलेगी। तो सैलरी की बात करें तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 2 की सैलरी बनेगी, जो लगते ही 20 से 25 हजार आपकी सैलरी बनेगी और हर साल इंक्रीमेंट के तौर पर बढ़ती ही चली जाएगी, यानी कि काफी बेनिफिशियल जॉब है दोस्तों। इसी साथ स्टेनोग्राफर की बात करते हैं, यानी कि आपकी शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, मिनिमम 100 वर्ड पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए, 12th पास मांगा गया है, लेवल 4 के सैलरी मिलेगी, जो लगते ही 35 से 40 हजार के बीच आपकी सैलरी बनेगी। अगली पोस्ट की बात करें ड्राइवर या दोस्तों, इसमें लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 10वीं पास मांगा है, मात्र 10वीं पास दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों लेवल 2 के सैलरी मिलेगी, जो लगते ही 20 से 25 हजार आपकी सैलरी बनेगी। अगली पोस्ट है बेलिफ की, इसमें भी 10th पास मांगा है, सैलरी भी सेम मिलेगी ड्राइवर के साथ साथ। प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है, इसमें भी 10th पास मांगा गया है। एमटीएस है, इसमें भी 10th पास मांगा गया है। लिफ्टमैन और वॉचमैन है, इनमें भी सब में 10th पास ही मांगा गया है। अब दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनमें दो चीजें कंपलसरी है, सारी पोस्टों को अप्लाई करने के लिए दो चीज तो आपके पास होनी ही होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं एज की बात, कम से कम 18 ज्यादा 45 साल सभी की एज होनी चाहिए, यानी कि इसके बीच अगर आपकी एज है तो आप सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे और एज पर रिक्रूटमेंट एज रिलैक्सेशन आपको सभी एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेंगे। अगली बात करते हैं दोस्तों, इसमें नॉलेज ऑफ कोंकणी लैंग्वेज, अगर आपको नॉलेज है कोंकणी लैंग्वेज की तो ही आप एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान से समझना, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ही कॉलम में उसमें साफ साफ चीजें मेंशन कर दी गई हैं। एडवर्टाइजमेंट कॉलम में दे दूंगा, एक बार आप उसको गो थ्रू जरूर कर लेना फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए। उसमें मेंशन कर दिया गया कि भाई हर पोस्ट के लिए नॉलेज ऑफ कोंकणी लैंग्वेज आपको होनी चाहिए। इसमें दोस्तों बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं दे दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकालो, उसके साथ हमने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाने, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सभी सर्टिफिकेट, सभी सेल्फ अटेस्ट करने होंगे, आपको सेंड करने होंगे ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ गोवा मरगांव, यहां पे आपके सभी डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए 25 जुलाई 2022 से पहले पहले दोस्तों। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको मेरे समझ में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।